पब्लिक टीवी आपकी आवाज। थाना गलशही क्षेत्र के हरपाल नगर में हुए डबल मर्डर में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। 22 दिसंबर की रात हुए डबल मर्डर में महावीर शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन 5.5 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसको लेकर महावीर शर्मा की पत्नी ने एसएसपी को एक शिकायती पत्र सौंपा और आरोपियों को खोजने की मांग की है। पीड़िता ने कहा कि कोई राजनीतिक दबाव है जिसकी वजह से पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। मैडम एक मिनट, क्या नाम है आपका? मनीषा जी, आप जो आई हैं, क्या है पूरा मामला? सर, 22 दिसंबर को मेरे भाई और मम्मी की थाना गलशही के अंदर गांधीनगर जवान नगर आता है, वहां पर हत्या कर दी गई थी। उसके मुकदमे में अभी 5 महीने होने वाले हैं और 5 महीने से कुछ भी नहीं निकला है हमारा। ना तो कोई आरोपी पकड़ा गया है, हमें जिन पर शक है पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, ना हमसे किसी तरीके की पूछताछ कर रही है। जब भी हम उनसे कुछ पूछते हैं मुकदमे के संबंध में, भैया मेन रोड और हमें सिर्फ घुमा देते हैं। अच्छा, अभी तक जो आपकी वार्ता भी रही है, क्या रहा है अब तक? अभी तक हमारा कुछ भी नहीं पकड़ा है, किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ा है। नहीं, हमने अज्ञात की करवाई थी, लेकिन अभी हम जिन पे हम शक दिखा रहे हैं पुलिस उन पर भी कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं कर रही है। कोई पूछताछ की है? कोई पूछताछ नहीं की गई हमसे, हमारे और जिन पे हमें शक है दोनों को उन्हें बुलाया जा रहा है जांच पे। आज आप डीएम साहब के पास आइए, क्या मांग है आपके? मुकदमे का खुलासा करने के लिए और हमारे पुलिस के सही से कार्रवाई करवाने के लिए आए हैं, और हम सीबीआई की जांच चाहते हैं अपने मुकदमे में, उसके संबंध में हम डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन करने के लिए। इससे पूर्व भी किसी अधिकारी से कंप्लेंट किया आपने? हमने सभी से कंप्लेंट कर चुके हैं, हम उत्तर प्रदेश के सीएम से लेकर प्रधानमंत्री तक को ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। हमने एप्लीकेशन भी सब जगह पोस्ट किए हैं, सब जगह के मेरे पास है, डीआईजी आईजी रेंज सभी को मैं कर चुकी हूँ, पर किसी भी तरीके का हमारे केस में खुलासा नहीं हुआ है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।